दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है जियो फोन के कुछ सीक्रेट कोड के बारे में जिसे आप सबको जानने चाहिए। और दोस्तों ये जो है आपके लाइफ को बदल देगी दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैंने भी देखा है। क्योंकि आज दोस्तों आपके साथ होता होगा, कभी कोई आपको फोन करता है तो उनको जो है नोटिफिकेशन जाता होगा या फिर उनको जो है कस्टमर इस तरह से बोलते हैं कि आप फोन बिजी है, जबकि आपका फोन बिजी नहीं होता है, फिर भी उसे बिजी बताता है या फिर आपका बताता है कि कॉल फॉरवर्ड उसने किया है। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आपके फोन में रहता है, लेकिन आपको तो ये पता नहीं चलता है ना, ये तो जो कॉल करता है उन्हें पता होता है। तो हम उन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको बताएंगे। और इसके बाद आपके फोन में बिजी वाला प्रॉब्लम, वेटिंग वाला प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और ये जो है ट्रिक सब जगह फैलाना है, सब लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जियो का सिम आपको भी पता है बहुत सारे लोग चलाते हैं। तो हम यहाँ पे आगे ट्रिक की ओर चलेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो शेयर कर देंगे व्हाट्सएप में ग्रुप में तो सब लोग जानेंगे। जरूर से जरूर शेयर करिए। कमेंट में आपको लिख देना है बेस्ट जियो कोड ट्रिक, ठीक है, बेस्ट जियो सीक्रेट कोड ट्रिक या फिर कोड ट्रिक आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक नहीं दो नहीं, मैंने बहुत सारे सीक्रेट कोड के बारे में मैंने बताया है जिससे कि आप सभी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। और ये सीक्रेट कोड सभी जियो वालों के पास पहुँचना चाहिए जो जियो का फोन जियो का सिम चलाते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं डायलर में लेके जाना चाहूँगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कोड के बारे में बताना चाहूँगा, *402, ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर देना है। उसके बाद आप सुनिए यहाँ पे जो आपको बोलता है, ये देख सकते हैं, नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है, देख सकते हैं, अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो यहाँ पर देखिए आपका ये प्रॉब्लम पहला तो खत्म हो चुका है, कोई भी अनकंडीशनल कॉल या फिर कॉल फॉरवर्डिंग वाला जो फालतू का शो करता था वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप जो आसानी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, इस कोड को बस डायल करके। अब यहाँ पे हम चलते हैं दूसरे कोड की ओर, जो कि दूसरा कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे *404, ये ठीक है, ये डाल के कॉल कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे जो भी अंतरित कॉल था सब यहाँ पे ब्लॉक डीएक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ भी अब आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी अगर जो कॉल फॉरवर्डिंग का अगर जो अंतरित कॉल किया है तो वो अंतरित कॉल भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक और कोड है जो कि सबको जानना चाहिए, 406, और फिर इसे यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए, जब आपको जो है ना जब आप बिजी रहेंगे तो कोई भी कॉल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा, या तो उसे वहाँ पे बताएगा आपको जो है वेटिंग लिस्ट वाला जो है ना कॉल चला जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा इस कोड से हेल्प होगा, तो यहाँ पे बिजी वाला प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो गया दोस्तों। तो इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। फिर से ये मैं कोड बता दूँ, 406 इस कोड का नाम है। और यहाँ पे फिर हम अगले ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम जो है ना बिजी वाला प्रॉब्लम आपके दोस्त वगैरह गलती से कर देते हैं, या तो जानबूझ के कभी कभी कर देते हैं, या तो ये ऑटोमेटिकली कभी कभी ये कभी कैसे कैसे एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ये एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद फिर प्रॉब्लम होती है। तो इससे जो है जब आप इस कोड को डायल कर देंगे तो उससे जो आपका बीजी वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे ट्रिक की ओर, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है ये भी, *410, ठीक है, ये लिखो, उसके बाद कॉल करते हैं। अब ये देखिए आपके नंबर की पहुंच से बाहर होने या बंद होने पर आपके नंबर के लिए कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। जब आपके फोन में नेटवर्क नहीं रहेगा तो उस टाइम जो है कॉल आएगा ना तो उसे जो है अनरीचेबल बताएगा, यानी कि स्विच ऑफ बता देगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है ना जिनका कि घर में नेटवर्क नहीं आता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तो घर में नेटवर्क नहीं आता है तो इस कोड को आपको बस डायल कर देना है, बस काम खत्म। ये भी बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है। और अब जो हम आपको बताएंगे वो आखिरी, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है सभी लोगों के लिए, और ये यार सब लोगों को ये सब जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी जियो का सिम चलाते हैं। तो यहाँ पे अब चलते हैं आखिरी ट्रिक की ओर, जो कि दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेशन का मास्टर ट्रिक दोस्तों। ये देखिए
कोई भी आपका कॉल अगर सुनता था उसको, तो यहाँ पर आप जो है अब कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ये आपने किया फिर उसके बाद कॉल कर देना है। ये देखिए तो ये जो है फुल्ली डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे ये मास्टर्ड कोड है दोस्तों, तो अगर आपका कोई कॉल फॉरवर्डिंग टाइप का अगर जो जानना भी चाहेगा तो वो सब नहीं जान पाएगा, और इस तरह से आप जो डायलर कोड का जो है सीक्रेट यूज करके आप जो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से डायल पेड का भी सीक्रेट ट्रिक हुआ और ये जियो सिम का भी सीक्रेट फीचर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो को फैलाइए सभी जगह, लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोग जानेंगे। कमेंट में आपको लिख देना है जियो सीक्रेट ट्रिक कोड, आपको लिख देना जियो सीक्रेट कोड या फिर मास्टर कोड ट्रिक आपको ये कमेंट में लिख देनी है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू, बाय।